जब कोई 17 दिन धूप नहीं देखेगा, उसको बाहर की हवा नहीं लगेगी, तो उसको खुद बताएगा कि हमें कैसा लगा। शरीर तो पीला दिखने लगता है, जैसे अगर धूप ना शरीर में पड़े तो शरीर एकदम पीला जैसे दिखने लगता है। दीपावली हमारा मातम जैसा हो गया था। दीपावली हम लोग कुछ नहीं मनाए, दीप भी नहीं जलाए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूर पिछले 17 दिनों से फंसे हुए थे। 17 दिनों से निकालने के लिए सरकार द्वारा जद्दोजहद किया जा रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज 17 दिनों बाद 41 मजदूरों को सकुशल वापस निकाला जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं सराफ्ती जिले के मूर्तिपुर कला गाँव में, जहां 41 मजदूरों में 6 मजदूर इसी गांव के रहने वाले थे। उन्हीं के गांव पहुंची है यूपी तक की टीम। एक मजदूर जिसका नाम संतोष है, उसके घर के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे संतोष के भाई से कि आखिर 17 दिनों से जिस तरीके से वो फंसे रहे, आप लोग के मन में क्या एक डर कैसा लग रहा था आपको? जी, 17 दिन जब हो गया तो हमारा तो एकदम मन से विश्वास उठ गया था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। जब कोई 17 दिन धूप नहीं देखेगा, उसको बाहर की हवा नहीं लगेगी, तो उसको खुद बताएगा कि हमें कैसा लगा। शरीर तो पीला दिखने लगता है, जैसे अगर धूप ना शरीर में पड़े तो शरीर एकदम पीला जैसे दिखने लगता है। तो 17 दिन हमारी बहुत तकलीफ में गुजरी। संतोष की मम्मी जो हमारी चाची हैं, उनको रोना धोना था। दीपावली हमारा मातम जैसा हो गया था। दीपावली हम लोग कुछ नहीं मनाए, दीप भी नहीं जलाए। तो हम लोग क्या किए कि मतलब यहीं पे सब आके थोड़ा एक जगह जुट हो के आपस में जो बात करते थे, ताकि मन हल्का हो जाए, तकलीफ में ना रहे, तो वही थोड़ा मन बहलाते रहे। तो आज जो है बाहर निकले, तो आज हमारे लिए खुशी का माहौल है। जो हमारा दीपावली जो मातम जैसा हो गया था, वो तो एकदम दीपावली हमारा फिर से आ गया। हम तो फिर दीप जलाएंगे जब हमारा भाई बाहर आएगा ना, हम दीप जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, जो है लड्डू बांटेंगे और माला भी पहनाएंगे जब मेरा भाई आएगा, तो एकदम खुशहाली मनाएंगे। जो छोटा भाई है वो गया है उधर, बात हुई थी कि बोल रहा है कि मैं यहीं पे हूँ, जैसे ही बाहर निकलेगा गले लगाऊंगा, जो मिला जाएगा, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है बस। जैसे हमारे साथ संतोष की बहन जी भी मौजूद है, और जैसा कि उनके भाई के देखिए कि कितनी खुशी है आज भाई की वापसी पर। और एक बहन, एक मम्मी है, संतोष की मम्मी है, बड़ी मम्मी है आप संतोष की, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आज जब संतोष बाहर आ रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। जैसे मतलब 17 दिन के बाद जो मतलब उसका कुछ पता आता नहीं चल रहा था, तब तो हम लोग को महसूस ये हो रहा था पता नहीं लड़का वापस आएगा कि नहीं आएगा। मतलब हम सब यही मतलब टेंशन में थे, मेरा लड़का कैसा रहेगा अंदर, की कैसा रह रहा होगा कैसा नहीं रह रहा होगा, मतलब ये सोचते हुए हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा था। हर कोई आते थे मतलब ये तसल्ली देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए कि आप चिंता मत करिए, आप रोना धोना मत रोइए, कि मतलब खाना वाना खाइए, आप लोगों के बच्चे कुछ नहीं होगा, आप लोगों बच्चे को हम सब मतलब सुरक्षित निकालेंगे, मतलब ये तसल्ली हौसला देने आते थे। तो लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं होता था, अब मतलब विश्वास हो गया है कि हमारा बच्चे बाहर निकल गए। जैसे जब तक वो 17 दिन तक अंदर है, तो एक माँ के दिल से एक बेटे के लिए क्या ऐसा क्या एक भावना मन से था कि एक डर भी आपके मन में बेचैनी रही होगी? हाँ जी, डर तो बहुत था कि मेरे बच्चे आप कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन सरकार है कि मतलब सरकार के जैसे कामयाब कोशिश करके मतलब कामयाब करके सफलता मिल गया है सरकार को। मतलब अब हमें ऐसा हो रहा है कि मतलब लड़के वापस हमारे घर पे आ जाएंगे। जैसे एक माँ के दिल में तो आप जानते हैं कि कैसे 17 दिन कैसे गुजरा होगा, कैसे बीता होगा, जैसे आँख में आंसू नहीं सूखा। जैसे आपकी संतोष की माँ, उनका साफ कहना है कि 17 दिन से उनकी आँखों के आंसू जो उनकी आँखों में हमेशा भरे रहते थे, कभी सूखा नहीं। आज जब वो वापस आ रहा है, वापस घर आ रहा है, तो एक खुशी का माहौल है। एक दीपावली का पर्व मनाया जाएगा जो उसके टनल में फंसे रहने के दौरान मनाया नहीं जा सका। खुशियाँ हैं, लड्डू बांटे जाएंगे, उनके भाई भी साथ खुश हैं, लड्डू भी बांटेंगे, और जल्द ही इस मोतीपुर गला के 6 मजदूर जो टनल में फंसे रहे, वो जल्द ही अपने घर वापस आ जाएंगे। सुजीत कुमार, श्रावस्ती, यूपी तक।